दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम राज खोलेंगे कोलकाता शहर के सोनागाछी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किस तरह? दोस्तों कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। कोलकाता हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से 80 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर बसा है। क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में कोलकाता शहर भारत की राजधानी हुआ करता था, जब अंग्रेज काल का दौर चल रहा था, जब वो हम पर हुकूमत कर रहे थे, तब दिल्ली नहीं कोलकाता भारत की राजधानी कहलाती थी। दोस्तों कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम है और पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिस पर भारत इतिहास भी रच चुका है। इसके साथ ही कोलकाता का सोनागाछी पूरे भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। कोलकाता सेंट्रल में मौजूद सोनागाछी में करीब 11,000 सेक्स वर्कर हैं और बेंगलोर के एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट ने इसे रंगों से रंग दिया। रोजाना 3 से 4 लड़कियां इस रेड लाइट एरिया में दाखिल होती हैं। एक आंकड़े के अनुसार ये आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। दोस्तों और बीते कुछ महीने में 160 नई युवतियां महज एक महीने में एंट्री कर चुकी हैं। नोटबंदी, लॉकडाउन और गरीबी से तंग आकर युवतियां ये फैसला कर सोनागाछी में अपना जिस्म का सौदा करने पहुंच जाती हैं। दोस्तों पार्क स्ट्रीट को फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है। ये स्ट्रीट रात भर जगा रहता है क्योंकि यहाँ पर भिन्न प्रकार के रेस्तरां और नाइट पब जो मौजूद हैं, नाइट लाइफ की अच्छी जगहों में शुमार भी होता है। वो जगह जहाँ कभी रात ही नहीं होती, रसगुल्ला जैसे रसगुल्ला कोलकाता के लोग प्रोनाउंस करते हैं, कोलकाता में सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया और ये यहाँ की मूल मिठाई भी है। दोस्तों कोलकाता में नाइट क्लब की कमी बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे नाइट क्लब हैं ऐसे शहर में जो कि पैसा वसूल है। दोस्तों कहते हैं कि बंगाल की लड़की पूरे भारत में सबसे खूबसूरत होती है और यहाँ की लड़कियाँ जब बंगाली भाषा बोलती हैं तो उनके मुँह से रसगुल्ला की महक आती है। इतना अनोखा इनके बोलने का अंदाज होता है कि आप जब इनसे बात करोगे तो सिर्फ इन्हें ही देखते रहोगे। इस शहर में 120 पब्स हैं। इनमें से कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो कोलकाता की नाइट लाइफ को हाईलाइट करते हैं, जैसे कि फिनिक्स, रॉक्सी द पार्क, द मैक्स, नोकटॉन, अल्ट्रा लॉन्च, गोल्ड, JW मैरियट, टेंट्रा, सम प्लेस, द पार्क। ये सभी कोलकाता की चुनिंदा जगहों में से एक हैं और ये वही स्पॉट्स हैं जहां ऑन द स्पॉट पहली मुलाकात में संबंध बनाने के लिए युवा उत्सुक रहते हैं। दोस्तों कोलकाता सचमुच किताबी कीड़ा के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यहाँ स्थित भारत के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय से लेकर यहाँ के प्रसिद्ध कोलकाता किताब मेला जो यहाँ पर हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। तो इन जगहों पर किताब प्रेमियों के लिए हर वो चीज़ मौजूद होती है जो उनके चाहिए होती है। एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता में स्थित है, जिसे बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कहते हैं। फुटबॉल के प्रति प्रेम कोलकाता भारत के उन शहरों में से एक है जहां फुटबॉल का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता है। यहां पर स्थित साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माना जाता है। दोस्तों यूके के बाहर पहला गोल्फ क्लब कोलकाता का रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब यूनाइटेड किंगडम से बाहर, यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया में बना सबसे पहला गोल्फ क्लब माना जाता है। दोस्तों भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में ही चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हुई। दुनिया का सबसे घना पेड़ कोलकाता में ही स्थित है। विशाल बरगद का पेड़ दुनिया का सबसे घना पेड़ है और एक बरगद का पेड़ यहाँ लगभग 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों व परंपराओं का क्षेत्र होते हुए ये शहर हर बार अलग अलग स्थानों के अलग अलग व्यंजनों के साथ प्रयोग करता रहता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध मिश्रित व्यंजनों में भारतीय चीनी व्यंजनों को पाएंगे, मतलब इंडियन चाइनीज फूड। कोलकाता भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है और तीसरा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर। कोलकाता की कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज़्यादा है।
दोस्तों कोलकाता मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कोलकाता भारत का पांचवा सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। कोलकाता को सिटी ऑफ द जॉय भी कहते हैं। दोस्तों कहते हैं उत्तम कुमार, उत्पल दत्त, सौमित्र चटर्जी, सब्यसाची चक्रवर्ती, धृतिमान जैसे बड़े कलाकार यहीं से तो हैं। हॉलीडेम, पूजा बोस, जयंतिका बनर्जी, मिमी चक्रवर्ती, सरबंती चटर्जी, नुसरत जहां, कोयल मलिक, सुभाषरी गांगुली, ये सभी कोलकाता फिल्म जगत की हस्तियां और हसीनाएं हैं। और वेणुगोपाल बांगड़ कोलकाता के सबसे रईस इंसान हैं। इनकी सीमेंट कंपनी है। दोस्तों बांगड़ सीमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों कोलकाता के लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। ये लोग खाना कम मछली ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों जिससे इनकी त्वचा बहुत मुलायम तो दिखाई देती है, उतनी ही शार्प इनका दिमाग भी होता है। कोलकाता को 1 जनवरी 2001 से पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कोलकाता शहर 1911 तक भारत की राजधानी कहलाता था। कोलकाता 1980 से पहले भारत की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी था। करीब 20 साल पहले भारत में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। कोलकाता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां हाथ से खींचकर चलने वाली रिक्शा भी मौजूद है। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी कोलकाता में ही है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज दुनिया के सबसे बड़े ब्रिजेस में से एक माना जाता है। दोस्तों भारत के लिए पहला ऑस्कर भी कोलकाता के सत्यजीत राय ने ही जीता था। डॉक्टर सी वी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, रोनाल्ड रॉस और अमर्त्य सेन जैसे 5 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान कोलकाता से ही थे। दोस्तों कोलकाता को सिटी ऑफ प्लेसेस और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये कोलकाता के बारे में सबसे अमेजिंग नॉलेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।